श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में, जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख से शुरू हो रही वनडे की प्रतियोगिता में भारतीय टीम में प्लेइंग 11 को लेकर 2 खिलाड़ियों में फंस सकता है पिच। वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं और कौन हो सकता है अंदर या कौन हो सकता है टीम से बाहर, इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आप देखें तो हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 में भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और तीनों मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया। और ऐसे में आप नजरें हैं वनडे में, वनडे में जो टीम है वो बदल जाएगी। केएल राहुल जुड़ेंगे, श्रेयस अय्यर जुड़ेंगे, साथ ही साथ कुछ गेंदबाज जो नए नए हैं हर्षित राणा जुड़ेंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवम दुबे और एक और बल्लेबाज की हम बात करें ऋषभ पंत, तो इनमें से कौन हो सकता है, क्योंकि 2 विकेटकीपर बल्लेबाज हो जाएंगे। ऐसे में देखना है क्योंकि केएल राहुल भी वहां पे है और निश्चित तौर पे अगर वो टीम में है तो मेरा मानना है कि जब उनको शामिल किया गया है तो वो टीम में बने रहेंगे। उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है वनडे में। और ये देखने वाली बात होगी कि ऋषभ पंत और शिवम दुबे, अब तो एक ट्रेंड सा हो गया है कि एक ही टीम में 2-2 विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन शिवम दुबे और ऋषभ पंत के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो कौन हो सकता है मजबूत दावेदार, ये मसला जरूर आएगा निकलकर। अगर हम पंत की बात करें तो अब तक उन्होंने 30 वनडे मुकाबले खेले हैं, 26 पारियों में 865 रन है, कमाल की बैटिंग रही है, 1 शतक भी है उनके नाम। और आखिरी जो मुकाबला खेला था उन्होंने वनडे का वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था 2022, जिसके बाद उनका एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ और क्रिकेट से काफी दूर रहे, लगभग 1 साल से ज्यादा दूर रहे। फिर उनके बाद उनकी वापसी भी शानदार रही, आपने देखा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी ही कमाल की प्रदर्शन की बैटिंग की, IPL में भी कुछ मौके पर उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि दुबे, जिनको बहुत ज्यादा मौका तो नहीं मिला लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुबे के नाम पे मात्र 1 वनडे है, 2019 में खेला था उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उस मैच में मात्र उन्होंने 9 रन बनाए थे। लेकिन देखिए, अगर बाद में अगर क्रिकेट देखे तो उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया, उनके T20 में अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं, काफी बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, छक्कों के लिए वो माहिर हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये बैटल जो होगी ऋषभ पंत और शिवम दुबे में कौन आगे जा सकता है, ये जरूर रहेगी नजर हमारी। इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे, लेकिन जब 2 तारीख को मैच होगा उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।